लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया सभी देशवासियों से अपील करता है कि कृपया घर में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। यह फैसला आपकी सुरक्षा के लिए ही लिया गया है, अपनी नहीं तो अपनों की चिंता करें। यह सोचिए कि आपके संपर्क में आने के बाद या आप किसी के संपर्क में आकर बीमार हो सकते हैं। इस वायरस से बचने के लिए सभी जिलों में कलेक्टर ने एक धारा 144 लागू कर रखी है, जिसके तहत प्रशासन आप पर कभी भी कार्रवाई कर सकता है। ध्यान रहे कि सुरक्षा, सतर्कता और संयम रखने से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। चीन के वुहान से आया कोरोना वायरस देश भर में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधे घंटे के उद्बोधन में इस वायरस को लेकर कई बातें बताई हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि शुरुआती दौर में इस वायरस के कम ही मरीज सामने आए थे, लेकिन एक समय बाद इस वायरस से पीड़ितों की संख्या में एकदम इजाफा हुआ है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एहतियात के तौर पर 22 मार्च यानी रविवार को देश की 130 करोड़ जनता से जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर में ही रहने का आग्रह किया था। पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिला। रविवार को पूरे प्रदेश की सड़कें सुनसान दिखाई दी। बहरहाल कोरोना वायरस ने भले ही एक दिन के लिए, लेकिन शहरों की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगवा दिए। आइए आपको बताते हैं कि जनता कर्फ्यू के दौरान शहरों के कैसे हाल रहे, हमारी इस खास रिपोर्ट में। सागर में रविवार सुबह से ही शहरवासी अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकले और जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में जुटे रहे। सागर की तमाम गलियां, चौक चौराहे सूने पड़े रहे और लोग घरों में ही दुबके रहे। बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को पूरे करने में जुटे रहे और घरों में ही खेलकूद करते रहे। लोगों का कहना था कि मोदी जी की अपील अच्छी है और वो जो भी कर रहे हैं वो उनके बचाव के लिए ही कर रहे हैं। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। शहर के सभी व्यस्ततम जो रहते हैं उन चौराहों पे पुलिस पॉइंट्स लगाए गए हैं और पुलिस की मोबाइल्स भी चल रही हैं, पूरे ज़िले में चल रही हैं। मुख्यतः दो वजह हैं, एक तो अफवाहों को लेके कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, और ये जो जनता कर्फ्यू है ये मुख्यतः कोरोना वायरस से लोगों के बचाव हेतु है, और इस संबंध में जिला दंडाधिकारी द्वारा बहुत ही विस्तृत 144 का आदेश जारी किया गया है। उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए ग्राउंड लेवल पे, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है, और मुझे उम्मीद है कि आज जैसा आप सभी देख रहे हैं लगभग 99% बंद है। तो ये कोरोना वायरस से बचाव से हमारा सागर शहर और सागर जिला पूरी तरह से इसमें कामयाब। जनता कर्फ्यू के दौरान पूरा मंदसौर जिला पूर्णतया बंद रहा। लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनता कर्फ्यू का समर्थन करते नजर आए। मंदसौर जिले के शहर, कस्बे और छोटे छोटे ग्रामीण इलाके भी पूर्णतया बंद रहे। मंदसौर रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा यात्रियों का चेकअप किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बंद का आह्वान किया गया था जिसमें सफल भी है, और इसके तहत पुलिस की भी एक व्यवस्था लगी हुई है। इसमें मोबाइल में जो मोबाइलें चलाई जा रही है, अभी वर्तमान में चूंकि रेलवे स्टेशन पे भी ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर बांद्रा से ट्रेन आने वाली है, तो त्वरित यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की, प्रशासन की और पुलिस की टीम ने पहुंचकर उनका प्राइमरी हेल्थ चेकअप किया गया और उनके नाम नोट करके उनकी ट्रेवल हिस्ट्री नोट की गई, ताकि कोई भी अगर लक्षण अभी दिखता, वैसे किसी में आया नहीं है, तो उनको आइसोलेटेड कर सके। पुलिस डिप्लॉयमेंट में जो मंदसौर, चूंकि मंदसौर की एक भौगोलिक स्थिति है अपने इंटर स्टेट बॉर्डर पर लगता है, तो इंटर स्टेट बॉर्डर यहाँ पे सील की गई है। वहाँ से राजस्थान से आने वाले कोई से भी व्हीकल को मंदसौर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। अगर कोई यात्री लोक परिवहन से मंदसौर की तरफ आता है तो मंदसौर के यात्रियों की प्राइमरी स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें मंदसौर में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, सुबह 7 बजे से निरंतर हमारी मोबाइल पुलिस और प्रशासन की चालू है, और वो कोई भी व्यक्ति बाहर घूमते हैं अनावश्यक नजर आता है तो उसको समझाइश देकर हम घर के अंदर भेज रहे हैं, ताकि इस प्रकार की जो कोरोना का वायरस है जो एक दूसरे से न लगे, क्योंकि सभी को अपनी जान की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और हम अपनी जान की सुरक्षा के साथ साथ में सभी जनता की जान की सुरक्षा का भी करने का हम लोगों का दायित्व है। जनता कर्फ्यू का असर झालावाड़ जिले के चौमहला गंगधार कस्बे में भी देखने को मिला। सुबह से ही प्रतिष्ठान बंद दिखाई दिए, सड़कें भी सूनी पड़ी रही। पुलिस की ओर से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें पूर्णतया बंद रही। लोग आगे रहकर जनता कर्फ्यू का समर्थन करते नजर आए। कर्फ्यू का असर रेलवे मार्ग पर भी देखने को मिला। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग सूना दिखाई दिया। कई लोकल व पार्सल पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई। जब हमारे संवाददाता सुरेश सिंह ने कस्बेवासियों व
व्यापारियों से चर्चा की तो उन्होंने जनता कर्फ्यू के माध्यम से इस वायरस को समाप्त करने की पहल को अच्छा बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जनता कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है कि जो कोरोना वायरस है ना, इसका मतलब बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए जनता कर्फ्यू लगने से आज पूरा मतलब बाजार वजार सब सन्नाटा है। इससे क्या बीमारी नहीं फैलेगी ज्यादा, और आज पुलिस का पाबंदी बहुत है, पूरा पूरा मार्केट सुना पड़ा और सभी अपने अपने घर में। मतलब अच्छा किया मोदी जी ने, मतलब एक पहल की है। और जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता का जनता के लिए किया जाने वाला कर्फ्यू है। ये महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए, जो देश में महामारी हो रही है उसको रोकने के लिए चलाया जा रहा अभियान है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अयोध्या जनपद में व्यापक असर देखने को मिला। जनता कर्फ्यू और जिला प्रशासन की एडवाइजरी को लेकर अयोध्यावासी पूरी तरह सजग दिखाई दिए। एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि अब तक कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है कि जनता कर्फ्यू को लेकर लोगों पर दबाव बनाने की आवश्यकता पड़े। जनता कर्फ्यू के दौरान अयोध्या में सन्नाटा पसरा रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बाहर निकलने से बचते रहे। अयोध्या का मुख्य शहर फैजाबाद भी लॉकडाउन हो चुका है। व्यापारियों के साथ आवासीय क्षेत्र के लोगों ने भी जनता कर्फ्यू का पूरी तरह समर्थन दिया। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। कहीं भी इसको किसी भी तरीके से इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं लग रही है। लोगों ने स्वयं ही इस कॉल का बहुत ही व्यापक रिस्पांस दिया है और लोग अपने घरों में हैं, लोगों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खोले हैं। और मुझे लगता है कि इवन जो बहुत आवश्यक ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसको छोड़ करके किसी भी पर्पज़ के लिए कोई जो है निकल नहीं रहा है। मेरे पास सुबह से ही लगातार विजुअल्स जो हैं सभी तहसीलों के, इवन गांवों से भी, जो गांव-गांव से भी विजुअल्स मिल रहे हैं। और उसको भी देखने के बाद यही लग रहा है कि लोगों में इस अपील का बहुत व्यापक असर हुआ है। देखिए, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील में जो जनता कर्फ्यू ऑलरेडी चल रहा है सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, अयोध्या से हमेशा बहुत अच्छा संदेश जनता ने यहाँ से भेजा है, अमन का, शांति का। और आज भी यहाँ पर जनता ने स्वयं जो है पूरा ये जो आज का जनता कर्फ्यू है उसको पूरी तरह से पालन कर रही है। इनफैक्ट नॉट ओनली इन शहर या घाटों पर बल्कि गांव की गलियों गलियों में भी लगातार ये सूचना मिल रही है कि लोग इसका पूरा पालन कर रहे हैं, जनता जागरूक है। कोरोना के खिलाफ में सभी देश को मिलकर लड़ना है और यहाँ की जनता भी इसमें लगातार कर रही है। गोगावा में भी जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिला। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी नगर की जनता घरों में कैद रही। वहीं थाना प्रभारी दिलीप गंगराड़े पूरे दिन अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाले दिखे। पुलिस वाहन ने नगर भ्रमण करते हुए जनता से अपने अपने घरों में ही रहने की अपील की और जनता कर्फ्यू का पूरी तरह समर्थन करने की बात कही। इसके साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखने की भी बात कही और वायरस से बचाव के तरीकों को अपनाने की समझाइश दी। यहां टैक्सी एवं बसों के बंद होने के कारण पूरा नगर सुनसान नजर आया। नौरोजाबाद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर हुआ। नौरोजाबाद और पिनौरा में भी लोगों ने घर में रहकर जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। यहां के मुख्य बाजार और सड़कें पूरी तरह सूनी दिखाई दी। चाय पान की दुकानें से लेकर सब्जी बाजार की दुकानें भी बंद रही। लोगों ने अपने घरों में ही रहकर जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। नौरोजाबाद से हंसराज द्विवेदी की रिपोर्ट। शामगढ़ में भी कोरोना को देखते हुए लगाए गए जनता कर्फ्यू का जोरदार समर्थन दिखाई दिया। जनता ने अपने और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए दमखम के साथ नगर बंद रखा। सभी नगरवासियों ने शाम 5 बजे थाली ताली और शंख बजाकर दिन रात सेवा करने वाले पुलिस और डॉक्टरों का उत्साहवर्धन किया। वहीं रेलवे द्वारा जनता के हित के लिए कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन कर ट्रेनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रेनों की रोक से स्टेशनों पर सन्नाटा पसरा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इससे लड़ने के लिए रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था कि अगर घर से बाहर निकलना जरूरी न हो तो बाहर न जाएं। पीएम मोदी की इस अपील का असर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में देखने को मिला, जहां व्यापारियों ने पीएम मोदी के आह्वान का पालन करते हुए जनता कर्फ्यू का समर्थन किया और अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं जनता कर्फ्यू का असर सड़कों पर भी देखने को मिला, जहां वाहन के पहिए थमे, सड़कों पर सन्नाटा छा गया। जनता कर्फ्यू का ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों ने भी पालन किया और अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं नगर के समीपस्थ ग्राम गोपालपुर में भी सड़कें सूनी रही, मार्केट बंद रहा। साथ ही लाड़कुई में लगने वाले हाट बाजार भी बंद रहा। जनता कर्फ्यू का सभी लोगों ने मिलकर समर्थन किया। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
कोरोना वायरस से पूरा विश्व परेशान है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में नगर के संपूर्ण व्यापारी ने पूर्ण रूप से अपना प्रतिष्ठान बंद रखा। नगर के समस्त नागरिक भी दिन भर अपने अपने घरों पर रहे। सारा दिन नगर में सन्नाटा पसरा रहा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में भी लोग नहीं दिखे। वहीं एक और जहां नगर के सभी प्रतिष्ठान पान चाय की गुमटियां तक बंद रही, तो दूसरी ओर शराब दुकान खुली रही, जिसका लोगों के द्वारा गलत बताया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली में दिन भर डॉक्टर तैनात रहे और बाहर से आने वाले आगंतुकों का चेकअप किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके जैन ने बताया कि पाली में आज लगभग 20 लोग बाहर से आए, जो कि घर जाने के पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आकर अपना परीक्षण उपरांत घर गए। हालांकि 20 लोगों के चेकअप के दौरान सभी नेगेटिव पाए गए हैं। दिन भर के इंतजार के बाद शाम 5 बजे नगर के सभी नागरिक, महिलाएं, बच्चों समेत अपने घरों के छत पर निकलकर कहीं शंख तो कहीं थाली चम्मच बजाते हुए कोरोना गो कोरोना के नारे भी लगाते हुए नजर आए। उमरिया से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में जनता कर्फ्यू के समर्थन के दौरान शाम 5 बजे लोगों से, जो लोग इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके सम्मान में ताली थाल शंख बजाने की अपील की। इस अपील का रायसेन में भारी समर्थन देखने को मिला। वहीं शाम 5 बजते ही रायसेन में लोगों ने अपने घरों की छतों पर निकलकर शंख, मजीरे, तालियां, ढोल, जिसको जो मिला उसने वही बजाकर जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। लोगों ने अपने घरों से थाल, शंख, लोटा, बर्तन सभी ने बजाकर वायरस को भारत से भगाने के लिए प्रधानमंत्री का पुरजोर समर्थन किया। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह का असर दिखा। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, इस कारण शहर की सभी गलियां सूनी रहीं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ हाईवे रोड पर भी वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रही। प्रधानमंत्री के आग्रह पर ठीक 5 बजे से ही लोग ताली, थाली एवं ढोल पटाखों की ध्वनियों से पूरा शहर गुंजमान हो गया। पूरे शहर के नागरिकों ने अपने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी पीछे नहीं रहे। लखनऊ से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जो लगातार इस संबंध में शासन से जो निर्देश आ रहे हैं, हम उनका पालन कर रहे हैं। और वर्तमान में हमने एक आह्वान किया था कि जो छीन धाम मंदिर है, नवदुर्गा प्रारंभ होने वाले हैं, यहाँ पर कंकाली माता मंदिर पे भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, खंडेरा में भी आते हैं, रायसेन की दरगाह में भी आते हैं। यहाँ पर हमने कल परसों 24 तारीख से प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। लोगों ने, जो उनकी समितियाँ हैं, उन्होंने खुद ही लिख के दिया हुआ है। और जो मुख्य द्वार है वो परसों से वहाँ पर वो पूरी तरह ताला लगा के बंद रखेंगे। पूरी तरह प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। हमारे द्वारा एक धारा 144 में एक ऑर्डर जारी किया गया है कि जो लोग मध्य प्रदेश से बाहर या देश के से बाहर आ रहे हैं और रायसेन जिले में आ रहे हैं, सबसे पहले एक घंटे के अंदर तत्काल वो अपनी जानकारी संबंधित थाने या संबंधित बीएमओ को देंगे, ताकि हम उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा सकें। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू का पालन करने को कहा गया था। उसका पालन पंधाना के नागरिकों ने भी किया। प्रधानमंत्री की अपील का असर पंधाना एवं आसपास क्षेत्रों में भी देखने को मिला। स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़ परिवहन से लेकर सभी प्रतिष्ठान बंद रहे, सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है, इसको दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद पंधाना द्वारा नगर में नालियों की साफ सफाई उपरांत दवाइयों का छिड़काव किया गया। इसके साथ ही नगर के प्रमुख चौराहों को फायर फाइटर के माध्यम से पानी में दवाई मिलाकर साफ किया गया एवं फॉगिंग मशीन द्वारा भी रहवासी क्षेत्रों में छिड़काव किया गया। नगर परिषद पंधाना के सीएमओ एमएस बड़ोले, स्वास्थ्य प्रभारी अंकित बड़ोले एवं नगर परिषद की टीम द्वारा नगर को स्वच्छ एवं साफ रखने के हर संभव प्रयास करते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना में इसके लिए जो प्राथमिक जो सर्दी खांसी जो ये वायरस है सर्दी खांसी के साथ आता है, तो इसमें सर्दी खांसी का जो पूर्ण उपचार है वो करवा रहे हैं। पूरा पेशेंट की हिस्ट्री ली जा रही है उसमें कि पेशेंट अगर कहीं से अगर आ रहा है, बाहर से आ रहा है किसी जगह से, तो उसका चेकअप कराने के लिए यहाँ पे टीम बना रखी है अपन ने, कि उसको अगर लक्षण प्रतीत होते हैं उसमें कुछ भी, तो उसके लिए अपने पास एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है। उसमें अगर कोई सिम्टम अगर आ रहा है इस टाइप से, या कुछ उसका सिचुएशन डाउन हो रहा है, या कुछ ऐसी कुछ हिस्ट्री जा रही है उसमें कि नहीं अपने संदिग्ध लग रहा है, तो इसके लिए वहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खंडवा में इसकी व्यवस्था कर रखी है। इन सब की उनकी जांचों की व्यवस्था पूरी कर रखी है। वहाँ पर इसके लिए वार्ड बनाए गए हैं, अपने यहाँ पर भी पंधाना में वार्ड बनाए गए हैं। पंधाना में चूंकि अस्पताल बहुत छोटा है, तो सिर्फ यहाँ से रेफर करने की पूरी व्यवस्था अपन ने कर रखी है कि एट ए टाइम अपन 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से, चूंकि अस्पताल के अंदर
उस मरीज को अपन रख के दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकते। पर्याप्त उचित साधन नहीं है कि उसके लिए अपन पीपीई किट नहीं अपने पास में, यहाँ पे जो किट जो रहती है, सपोज करो अगर मैं उस पेशेंट को रखूँगा यहाँ पे तो उसके कारण क्या दूसरे लोग भी इन्फेक्टिव होंगे। जो मेजरमेंट जो रहते हैं, जो गवर्नमेंट के पूरे जो मेजरमेंट है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो अपन अननेसेसरी पंधाना के बाकी लोगों को संक्रमित करेंगे, क्योंकि पंधाना में उस व्यक्ति के साथ साथ नॉर्मल पॉपुलेशन भी चेकअप कराना आएगी वहां पे। खरगोन में भी जनता कर्फ्यू का समर्थन देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के नाम पर 14 घंटे के लिए जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, जिसे देशवासियों ने बखूबी निभाते हुए एक सच्चे नागरिक होने का परिचय दिया। इसके चलते रविवार को खरगोन जिले में भी जनता कर्फ्यू का खासा असर देखने को मिला। इस दौरान जिले सहित ग्रामीण तबके तक जहां व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, वहीं घरेलू आवश्यक कार्य हेतु इक्का दुक्का लोग सड़कों पर दिखाई दिए और सच्चे नागरिक होने की मिसाल कायम की। वहीं शाम 5 बजे सभी नागरिक अपने अपने घरों से बाहर आए और थालियां तालियां घंटियां म्यूजिक ताशे आदि बजाकर तथा फटाखे फोड़कर कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे सभी स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारियों का अभिवादन किया। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। उज्जैन में भी जनता कर्फ्यू को शहरवासियों का पूरा समर्थन मिला। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया। रविवार को शहर में हर जगह सन्नाटा पसरा रहा। शहर के सभी चौराहे, रोड, रेलवे स्टेशन सभी जगह सुनसान पड़ा रहा। कृषि मंडी, चामुंडा चौराहा, टावर चौराहा, शहीद पार्क सभी जगह सुनसान दिखाई दिया। उज्जैन से प्रदीप मालवीय की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जनता द्वारा जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी, जिसको पूरे देश की जनता ने सफल बनाया। वहीं बाराबंकी जिले में भी जनता कर्फ्यू को शहर से लेकर छोटे कस्बे व गांव तक के सभी लोगों ने घर से न निकलकर सफल बनाया। इस कारण सड़कों व मार्केट के साथ गांवों में सन्नाटा पसरा रहा। पूरा दिन लोग घरों में ही रहे और शाम 5 बजे 5 मिनट तक घंटी ताली शंख व थाली बजाकर कोरोना वायरस के बीच लड़ रहे डॉक्टरों, पुलिस, मीडिया, सरकारी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। बाराबंकी से ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मवई क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री के आह्वान पर रविवार को जनता कर्फ्यू का ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने पूर्ण समर्थन किया। पटरंगा, मवई कस्बा, मवई चौराहा, मियानापुरवा, नेवरा, बाबा बाजार आदि क्षेत्रों में जनता कर्फ्यू के प्रति लोग काफी जागरूक नजर आए। सड़कों पर पूरा दिन सन्नाटा पसरा रहा। वहीं व्यापारियों ने भी प्रधानमंत्री जी के निर्णय की सराहना करते हुए अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। पुलिस चौराहों पर गश्त करते नजर आई। पटरंगा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने पटरंगा मंडी सहित कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ सक्रिय नजर आए। उन्होंने ताली बजाकर लोगों को अभिवादन करते हुए जनता कर्फ्यू का पूर्ण समर्थन देने के लिए आभार जताया। डिंडोरी में जनता कर्फ्यू का असर पूरी तरह से देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने अपने घरों से नहीं निकले। वहीं प्रशासन द्वारा जिले की सीमा सील किए जाने से आवागमन भी पूरी तरह से बंद रहा। संभागीय मुख्यालय जबलपुर में कोरोना वायरस से पीड़ितों की पहचान होने के बाद से जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। कलेक्टर बी कार्तिकेयन द्वारा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में धारा 144 लागू कर 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान पर जनता कर्फ्यू के साथ ही जिले की सीमा को भी सील कर दिया। वहीं जनता कर्फ्यू में सभी का पूर्ण सहयोग मिलता दिखा। शहर की सड़कें सूनी दिखी। बसों के पहिए थमने से आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ ही चाय और पान की गुमटियां भी बंद रखी। दवाइयों, फल, सब्जी और दूध विक्रेताओं को छूट मिलने के बाद भी डिंडोरी लॉकडाउन के समर्थन में अपनी दुकानें बंद कर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समर्थन दिया। बड़नगर इंगोरिया पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद प्रशासन कोरोना को लेकर पूरी सतर्कता बरत रहे हैं और लोगों से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कृपया घर से बाहर ना निकले। लेकिन इंगोरिया चौपाटी पर पुलिस द्वारा आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद भी बड़नगर की आम जनता बिना मास्क लगाए घर से निकल रही है। सभी लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। इसके बावजूद भी लोग बिना किसी सेफ्टी के घर से बाहर निकल रहे हैं और अन्य जिलों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंगोरिया पुलिस उन सभी को जहां से आए हैं वहीं वापस लौटा रही है। उज्जैन जिले के कलेक्टर शशांक मिश्र ने 25 तारीख तक उज्जैन जिले को लॉकडाउन कर रखा है। लेकिन इसके बाद भी आलम यह है कि जनता इस खतरनाक वायरस के बारे में जानने के बावजूद भी नहीं मान रही है। इंगोरिया गांव में भी कुछ दुकानें खुली थी जिसे पुलिस प्रशासन ने बंद करवाया। बड़नगर से विजय निमा की रिपोर्ट। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।